विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की दल जदयू को चाहे भाजपा के साथ लड़े महागठबंधन में लड़े अकेले लड़ जाए 20 सीट नहीं आएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक बिहार न्यूज। जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अगला विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार को 20 सीट से अधिक नहीं आएगा, यदि इससे अधिक आया तो मैं इस काम से संन्यास ले लूंगा। सुनिए क्या कुछ कर रहे हैं प्रशांत किशोर जी। मैंने जीवन में सिर्फ एक बार बिहार आने से पहले सिर्फ एक बार भविष्यवाणी की थी बंगाल के चुनाव को लेकर, जब पूरे देश के लोगों ने कहा कि भाजपा को 200 सीट आएगा तो हमने कहा कि इनको 100 नहीं आएगा और 100 से ज्यादा आएगा तो संन्यास ले लेंगे। भाजपा को आया 77। मैंने बिहार में आकर दूसरी घोषणा की कि नीतीश कुमार महागठबंधन में नहीं टिकने वाला, अगर टिक के लड़ेगा तो 5 MP नहीं आएगा। महागठबंधन से पहले छोड़कर भाग गए, 2 तो ठीक हो गया। अब तीसरी घोषणा अभी कर देते हैं, जिस फॉर्मेशन में भी नीतीश कुमार लड़े अगले विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की दल जदयू को चाहे भाजपा के साथ लड़े महागठबंधन में लड़े अकेले लड़ जाए 20 सीट नहीं आएगा। अगर आएगा तो ये आप लोग सब रिकॉर्ड कर रहे हैं, नोट करके रखिए, मैं जीवन में अपने काम से संन्यास ले लूंगा। बिहार की जनता की विद्वता पर मुझे इतना यकीन है। तो शायद एकमात्र व्यक्ति मैं रहा हूं जो कैमरे पर कहता रहा है कि नीतीश कुमार बस पलट, कभी भी पलट सकते हैं। आप मेरे कितने भी वक्त को उठाकर देख लीजिए, हर जगह उन्होंने कहा है ये नीतीश कुमार की राजनीति का हिस्सा बन गया। नीतीश कुमार पलटू राम है या पलटू राम नेताओं के सरदार हैं, ये तो बात पहले से जनता जानती है। आज की घटना ने अभी जो हुआ है इसने ये दिखाया कि पूरे बिहार में जितने राजनीतिक दल और नेता हैं सब पलटू में। आज ये भी तय हुआ कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह और भाजपा वाले भी उतने ही बड़े पलटू मार है। जो अभी 2-4 महीना पहले कह रहे थे कि नीतीश कुमार के लिए बिहार में भाजपा का दरवाजा बंद है, ये पलटू मार पूरी राजनीतिक व्यवस्था है। इसलिए कि कल तक जो नीतीश कुमार को गाली दे रहे थे भाजपा के वर्कर समर्थक कार्यकर्ता, आज ही से इनको सुशासन का नया प्रतिमूर्ति बताने लगेंगे। ये पलटू मार व्यवस्था इसलिए है कि आज तक राजद जो उनको सुशासन और भविष्य का नेता बता रही थी, अभी आज शाम होते होते वो फिर नीतीश कुमार को गाली देंगे, उनको शराबबंदी में माफियागिरी दिखने लगेगी, भ्रष्टाचार उनको बिहार में दिखने लगेगा, अभी सुबह तक नहीं दिख रहा था। तो नीतीश कुमार पलटू मार है ये तो पूरा दुनिया जानता है, अब ये बहस का ये कोई डिस्कवरी का मुद्दा नहीं है। इस घटना ने ये दिखाया कि नीतीश कुमार ने अपने ही रंग में यहाँ के पूरी राजनीतिक व्यवस्था को रंग दिया है, जिसमें भाजपा और राजद दोनों ही उतने ही बड़े पलटू मार है जितने बड़े नीतीश कुमार है। नीतीश बाबू अगर महागठबंधन में लड़ते तो उनको 5 सीट भी नहीं आने वाला, ये तो लोगों को पता था। और जब हम लोग कह रहे थे तो उनका कोई दल का आदमी चिल्लाता था, अरे प्रशांत किशोर को क्या आता है। ये तो डर इतना है ना, लोगों को पता है। मैं कोई ऐसे बिहार का कोई नेता तो हूं नहीं, कह दूंगा कौन जीतेगा। अगर मैं कह रहा हूं कि नहीं आएगा 5 तो नहीं आएगा 5, इसी डर से पहले तो भागे। उनको मालूम था भी खाता नहीं खुलने वाला है तो भागे भाजपा में। अब इस नई व्यवस्था में जरूर एनडीए के नाम पर, मोदी के नाम पर, भाजपा के लहर में कुछ सीट उनको मिल जाएगा। लेकिन एक इसके साथ एक और आपको भविष्यवाणी कर देता हूं, इसका सबसे बड़ी कीमत इस गठबंधन का भाजपा और उनके दल वाले पे करेंगे विधानसभा के चुनाव में, लोकसभा में नहीं। लेकिन भाजपा को इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी आने वाले विधानसभा चुनावों में, क्योंकि जो भाजपा का समर्थक है, जो उनका वोटर है, नेता है, कादर है, आज उसके पास कोई जवाब नहीं है कि आखिर आप जिस नीतीश कुमार को आपने एक बार 2020 में थोपा, तब भी आपके 75 MLA थे, इनके 42 थे, आप क्यों नहीं मुख्यमंत्री बने, क्यों नहीं बिहार को सुधारने का जिम्मा लिया। एक बार फिर नीतीश कुमार भागे तो आपने कहा नीतीश कुमार धोखेबाज है, और आज फिर उसी नीतीश कुमार को आप बिहार पर थोप रहे हैं। तो जिस तरह से कांग्रेस और कांग्रेस के नेतृत्व ने चंद सांसदों के लालच में बिहार को 20 वर्ष तक लालू के हाथ में बेचा, इसकी चिंता नहीं की कि बिहार के लोगों का क्या होगा। 10-15-20 सांसद हमारे जीत के यूपीए के आते रहे, लालू जी अगर पूरा बिहार लूट कर बर्बाद कर रहे हैं तो कोई चिंता नहीं थी सोनिया गांधी को, कोई चिंता नहीं थी कांग्रेस लीडरशिप को,
वही हाल आज भाजपा के निकट चिंता है। उनकी चिंता बस इतनी है कि संसद में अगले लोकसभा चुनाव में हमारा 30-35 सांसद जीत कर आ जाए। अगर नीतीश कुमार ने पूरा बिहार को बर्बाद कर दिया है, उनकी मानसिक हालत नहीं है बिहार को चलाने की, इसकी कोई चिंता उनको नहीं है। वो बिहार के लोगों की चिंता नहीं है उनको, बिहार के बच्चों की चिंता नहीं है, तो लोकसभा में तो असर नहीं दिखेगा ज्यादा, लेकिन विधानसभा में भाजपा को बहुत बड़ी कीमत इसकी चुकानी पड़ेगी। और आप इस वक्तव्य को नोट करके रिकॉर्ड करके रखिए, अगर न हो तो मेरी गर्दन आप पकड़ लीजिएगा। नीतीश कुमार ऐसे हवा हवाई किला बनाते रहते हैं, और जब वो नहीं मिला तो तुरंत पिछले दरवाजे से भागा भाजपा की ओर। और आपको एक और घोषणा कर देता हूं, अगले विधानसभा से पहले जिसको भी आप लोग चला दीजिए कोर्ट करके, ये फॉर्मेशन फिर बदलेगा, इसको भी लीक कर दे देता हूं। आज जिस फॉर्मेशन में बिहार में व्यवस्था है, जिसमें नीतीश कुमार चेहरा है, बीजेपी सपोर्टर की भूमिका में है, और दूसरे साइड आरजेडी है और बाकी लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, इस फॉर्मेशन में विधानसभा का चुनाव नहीं होगा। कौन कहा, पिछली बार भी मैंने कहा था कि ये जो महागठबंधन और भाजपा बना है इसमें अगला चुनाव नहीं होगा, ऑलरेडी टूट गया, फिर अभी घोषणा कर देता हूं, ये भी टिकने वाला नहीं है। अगले विधानसभा से पहले आपको बहुत बड़ा उलटफेर बिहार की राजनीतिक परिदृश्य में, पूरी इकोसिस्टम में देखने को मिलेगा, और ये लोकसभा चुनाव के 6 महीना के अंदर आपको दिखेगा। एक नेता के खिलाफ सबसे ज्यादा गुस्सा बिहार में है तो वो है नीतीश कुमार। आप किसी भी वर्ग से बात कीजिए, किसी सामान्य नेता से, पब्लिक से, उनके अपने सपोर्टर, वोटर और पार्टी के नेताओं से बात कीजिए, हर आदमी नीतीश कुमार के लिए आज अपशब्द और गलत बात कह रहा है। और ये ऐसा मत समझिए कि बिहार की जनता समझती नहीं है, यही नीतीश कुमार है 2010 में इनके नाम और चेहरे पर बिहार की जनता ने 206 विधायक जिताया था। आज यही नीतीश कुमार है जिनकी दशा यह है कि 40-42 जो विधायक जीता हुआ है, और एमपी के चुनाव में हारने के डर से ये आदमी फिर भागकर भाजपा के शरण में गया है कि अगर मोदी जी भाजपा का सहारा नहीं रहा तो खाता नहीं खुलेगा। अगली बार लिख लीजिए, अभी पिछले बार घोषणा किए थे कि अगर महागठबंधन में लड़ेंगे तो 5 MP नहीं जीतेंगे, अभी लिख लीजिए। अब चाहे किसी गठबंधन में लड़े, भाजपा के साथ भी लड़े, नीतीश कुमार को 20 से कम विधायक अगली बार जदयू को आएगा, अगर नहीं आया तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। इस आदमी को, जदयू को 20 विधायक नहीं आएगा, चाहे वो भाजपा के साथ लड़े, महागठबंधन के साथ लड़े कि किसी के साथ लड़े। बिहार की जनता इतनी बेवकूफ नहीं है, जनता इतनी व्याकुल है आज कि वोट किसी को दिया, ये आदमी पलट पलट के, आप समझिए जनता आज कितना असहाय फील कर रही है, वोट किसी के नाम पर लिया। ये आदमी अपने आप को इतना चतुर समझता है, ये चतुर नहीं है, धूर्त है। नीतीश कुमार निहायत धूर्त आदमी है जो पूरे बिहार के 13 करोड़ जनता को धूर्तता से मूर्ख बनाकर उसको ठग रहा है, और इसका पूरा सूद समेत हिसाब जनता अगले चुनाव में करेगी। लोकसभा और खाली छोड़ दीजिए, ये नीतीश कुमार इतना धूर्त है जो महागठबंधन भागे तो कहा कि प्रशांत किशोर भाजपा के एजेंट है। आज जितने हमारे मुसलमान भाई हैं, भाजपा विरोधी जो लोग हैं बिहार में, उनको इसका चेहरा पहचानना चाहिए कि आदमी कितना बड़ा धोखेबाज है।